तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ दो लाइनों के साथ कि प्यासे की तड़प को पानी समझता है, प्यासे की तड़प को पानी समझता है, पुष्पेंद्र वो किस्सा है जो हर कहानी समझता है। उसने मेरे प्यार को नफरत दी, उसने मेरे प्यार को नफरत दी, मैं उसकी नफरत को भी प्यार दूंगा। उसने मेरे प्यार को नफरत दी, मैं उसकी नफरत को भी प्यार दूंगा, और रोई मेरी आंखें तो क्या हुआ, मैं उसे भी आंसुओं के त्योहार दूंगा। और पास लाकर अकेला किया था उसने, पास लाकर अकेला किया था उसने, तुम्हें भी अकेलेपन के बाजार दूंगा। जो बाजार होते हैं भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी वो अकेलापन महसूस करेगी कि पास लाकर अकेला किया था तुमने, तुम्हें भी अकेलेपन के बाजार दूंगा, और अब जो लिखूंगा उसे पर्दे पर उतार दूंगा, अब जो लिखूंगा उसे पर्दे पर उतार दूंगा, और लोग खंजर से मारते हैं, मैं शब्दों से मार दूंगा। और लोग खंजर से मारते हैं, मैं शब्दों से मार दूंगा। तो एक 2017 में जब मैं दिल्ली में रहता था, कोचिंग करता था मैं मुखर्जी नगर में, तो वहाँ मैंने लिखी थी। और उस टाइम पे 4.5 महीने डिप्रेशन में रहा था, वो अलग ही दौर था। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं, मतलब वो कभी था ही नहीं, वो ऐसा टाइम था कि मतलब होना ही नहीं था वो टाइम, लेकिन हुआ फिर भी। तो तब लिखी थी कि ये, मतलब कोई था कोई थी, मतलब उसके लिए लिखी थी कि दूर हो गए थे और 195 किलोमीटर की दूरी बन गई थी बीच में। तो उसमें लिखा था कि हम जो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, हम जो, मतलब उसका फ़ोन आता था 20-25 दिन बाद तो बात होती थी, तो उसमें लिखा था कि हम जो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, क्यों सच्चाई को खुद से झुटला रहे हैं, और बात इतनी सी है कि बता दूं तुम्हें, दूर हैं हम तुमसे फिर भी जिए जा रहे हैं। के बात इतनी सी है कि बता दूं तुम्हें, दूर हैं हम तुमसे फिर भी जिए जा रहे हैं। आगे सुनिए कि अश्क जो आंखों से उतरा है आंसू बनके, अश्क जो आंखों से उतरा है आंसू बनके, उस दर्दे जिगर को पिए जा रहे हैं। जख्म न सिलता कोई वस न चलता कोई, जख्म न सिलता कोई वस न चलता कोई, मरहम भी तुम्ही थे हम दम भी तुम्ही थे, और आज खुद अपने जख्मों को सिए जा रहे हैं। बात इतनी सी है कि बता दूं तुम्हें, दूर हैं हम तुमसे फिर भी जिए जा रहे हैं। इसी में आगे एक ये है कि वो जो गुजरे हैं पल तेरे संग में सनम, ये फ्लैशबैक में चला गया हमें उस टाइम पे। तो वो जो गुजरे हैं पल तेरे संग में सनम, वो जो मिल गए थे हम तेरे रंग में सनम, वो जो गुजरे हैं पल तेरे संग में सनम, वो जो घुल गए थे हम तेरे रंग में सनम, वो एहसास मेरे दिल को छुए जा रहे हैं। तुमसे मिलना तुम्हें पाना तुम्हें अपना बनाना, तुमसे मिलना तुम्हें पाना तुम्हें अपना बनाना, संग जीने की कसमें संग मरने के वादे, और फिर तेरा मुझसे वो दूर हो जाना। कि अजब जिंदगी है गजब है तमाशा, अजब जिंदगी है गजब है तमाशा, हादसे दिन ब दिन यहाँ हुए जा रहे हैं, और बात इतनी सी है कि बता दूं तुम्हें, दूर हैं हम तुमसे फिर भी जिए जा रहे हैं। सबसे सीरियस वाला था वो उस टाइम पे, उस तब शुरू से अब तक सबसे सीरियस। मतलब लोग पानी के आंसू रोते हैं, मैं खून के रोया, इतना सीरियस था। चली गई शादी वादी हो गई। तो उसके लिए आखिरी लाइन थी जी, उसके लिए आखिरी लाइन थी, काफ़ी मतलब सेंसिटिव थी, तो वो लाइन लिखी थी आखिरी में इसमें कि यूँ रोना तुम्हारी किस्मत नहीं, यूँ रोना तुम्हारी किस्मत नहीं, यूँ तड़पना तुम्हारी आदत नहीं, यूँ तड़पना तुम्हारी किस्मत नहीं, जो रोना तुम्हारी आदत नहीं, और तुम्हारी आँख में हो आंसू मेरी वजह से, इतनी कमज़ोर मेरी मोहब्बत नहीं। कि यूँ तड़पना तुम्हारी किस्मत नहीं, यूँ रोना तुम्हारी आदत नहीं, और तुम्हारी आँख में हो आंसू मेरी वजह से, इतनी कमज़ोर मेरी मोहब्बत नहीं। कि तुम्हें हंसना है जीना है गाना है सनम, तुम्हें हंसना है जीना है गाना है सनम, अपनी यादों का सामान हम लिए जा रहे हैं, और बात इतनी सी है कि बता दूं तुम्हें, दूर हैं हम तुमसे फिर भी जिए जा रहे हैं। टूटती मेरी सांसों से आगाज निकलेंगे, जब मैं मर रहा हूँगा सांसें टूट रही होंगी, वहाँ से आगाज मतलब शुरुआत निकलेगी, कि टूटती मेरी सांसों से आगाज निकलेंगे, मेरी मौत के बाद भी कई राज निकलेंगे। कि टूटती मेरी सांसों से आगाज निकलेंगे, मेरी मौत के बाद भी कई राज निकलेंगे,
और तुम एक के लिए इतना क्यों तड़प रहे हो पुष्पेंद्र? ये जमाना है, यहाँ और भी धोखेबाज निकलेंगे। तो ये है। और एक मैं ये वाली और सुना देता हूँ, ये भी काफ़ी मतलब करीब है। और तो ये सुनिए कि वक्त हुआ जब मैं एक छोटा बच्चा था, वक्त हुआ, टाइम, काफ़ी टाइम पहले ही बात है, मतलब फ्लैशबैक में चल रहा है, फ्लैशबैक में चलता है कि वक्त हुआ जब मैं एक छोटा बच्चा था, राह चलते मुझे एक बाबा ने रोका था। पहले तो उसने यूं देखा मेरी हथेली को, जैसे बूझे वो किसी कठिन पहेली को। कुछ देर तक यूं ही वो तकता रहा, फिर आह भरी और कहने लगा, ए बालक, ये जो तेरे हाथों की रेखा है, इसमें मैंने तेरा जीवन देखा है कि एक सुंदर नारी तेरे दिल को तोड़ेगी, एक सपना भी वो तेरे पास न छोड़ेगी। लोगों में बैठेगा घबराएगा, अकेले में तुझे कभी चैन न आएगा, कि भटकेगा दर दर आस लिए, मर जाएगा नदी किनारे प्यास लिए। और ए बालक, एक दिन तुझ पर ऐसा भी तो आना है, लोग कहेंगे पागल है दीवाना है, और दुख का इतना लंबा साथ नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा हाथ नहीं देखा। तो ये है। और एक बहुत फ्रेश एकदम जो लिखी थी मैंने अभी कुछ दिनों पहले, ये है कि बीती कहानी को अब भूल जाना पड़ेगा, जो कहानी बीत गई है, तो बीती कहानी को अब भूल जाना पड़ेगा, तेरी यादों के संग वक्त बिताना पड़ेगा। कि बीती कहानी को अब भूल जाना पड़ेगा, तेरी यादों के संग वक्त बिताना पड़ेगा, और किरदार में मेरे अदाकारी नहीं है, किरदार में मेरे अदाकारी नहीं है, रोकर भी मुझे मुस्कुराना पड़ेगा। और आंखें ना हो नम कभी तेरे आंगे, दुनिया में चाहे कहीं भी रो लूं, बस आंखें नम ना हो कभी तेरे आंगे, आंसुओं को हमें ये बताना पड़ेगा। और वो और जो बस में नहीं था वो भी किया था तेरे लिए, और जो बस में नहीं था वो भी किया था तेरे लिए, अब ये खुद को हमसे अब ये खुद से हमको छुपाना पड़ेगा। जब तोड़ोगी फिर से किसी मासूम का दिल, जब तोड़ोगी फिर से किसी मासूम का दिल, मुझे फिर से तुम्हें याद आना पड़ेगा। और हम तो पागल थे कायल थे तेरी आँखों के, और हम तो पागल थे कायल थे तेरी आँखों के, कोई मिलेगा तुम्हें तुम सा तो सिर झुकाना पड़ेगा। और हमारे किरदार में नहीं है अदाकारी, रोकर भी हमें मुस्कुराना पड़ेगा। और एक आखिरी ये मैं सुना करके फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। ये लिखी थी कि ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखी थी, और कोई बेस नहीं था उसका लिखने का, लेकिन फिर भी लिख दी मैंने, गुस्से में लिखी थी किसी के लिए। तो थोड़ा समझना इसको, समझने वाली चीज़ है कि सुंदर को मिली सुंदरता, मतलब सुंदर को मिली सुंदरता, सुंदर को मिली सुंदरता, फिर नाश हुआ सब रिश्तों का। कुछ बातें हैं पर्दे के पीछे, मैं दूत हूँ तेरे फरिश्तों का। जब झूठ का चोला पहना था, आँखों में डर थोड़ा होना था, कैसे अपनाया तूने ये सब, तेरे दिल को तुझसे कहना था। अब नकाब लगाए फिरते हो, सोचा पहचान ना पाऊंगा, कुछ बातें हैं पर्दे के पीछे, अब पर्दे पर उन्हें सुनाऊंगा। नजरों में तेरा चेहरा, नजरों में तेरा चेहरा, कुछ और देखूं तो कैसे, नजरों में तेरा चेहरा, कुछ और देखूं तो कैसे, तुझको सोचने से खुद को रोकूं तो कैसे, कि नजरों में तेरा चेहरा, कुछ और देखूं तो कैसे, और तुझको सोचने से खुद को रोकूं तो कैसे। और तू पास होती तो सीने से लगा लेता तुझको, तू पास होती तो सीने से लगा लेता तुझको, अब ये बता कि वीडियो कॉल पे तेरे आंसू पहुंचूं तो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।